कनाडा में जो भी स्टूडेंट्स अब फाइल लगा रहे हैं उनको लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। आप अपने एजेंट को भी इस बात के लिए अवेयर कीजिए, हो सकता है आपका एजेंट भी इस बात से अवेयर ना हो। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप अपनी स्टडी वीजा असेसमेंट 6290 पे कॉल करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो कनाडा से अब नई अपडेट आई है कि 1 दिसंबर से उन्होंने कहा है कि जो भी स्टूडेंट वीजा की फाइल्स लग रही हैं वो नए फॉर्म के साथ लगनी चाहिए। ये वाला फॉर्म उन्होंने नवंबर से अपडेट किया हुआ है, ये नवंबर 2023 वाले फॉर्म के साथ ही लगनी चाहिए। कुछ एजेंट या कंसल्टेंट इस बात से अपडेट नहीं होते, वो क्या करते हैं कि पुराने वाले फॉर्म के साथ ही आपकी एप्लीकेशन लगा देते हैं। तो कनाडा की गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप पुराने वाले फॉर्म से अगर आप अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे तो हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। होता क्या है कि कनाडा में जो उनका प्रोसेसिंग है वो सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन्होंने अब अगर नया फॉर्म अपडेट कर दिया है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो उनका सॉफ्टवेयर है शिनूक, वो एक्सेप्ट नहीं करता पुराने वाली एप्लीकेशंस को। तो वहाँ स्टूडेंट्स को कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, या तो वो उसका रिजल्ट ही नहीं आएगा, वो स्ट्रक हो जाएगी। कई स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उनका रिजल्ट ही नहीं आता। कारण क्या होता है कि उन्होंने पुराने वाले फॉर्म पे लगाई होती है एजेंट ने, और इवन स्टूडेंट्स को तो पता भी नहीं होता बेचारों को कि क्या कौन सा फॉर्म लग रहा है कौन सा नहीं। तो कुछ एजेंट ही इतने अपडेट नहीं होते, या इतने कह लो कि क्वालिफाइड नहीं होते, या इतने अपडेट नहीं होते, तो वहाँ पर दिक्कत आती है। तो आप अपने एजेंट से जरूर कंफर्म कीजिए कि क्या आपकी जो फाइल लग रही है वो नए वाले नवंबर 2023 वाले फॉर्म के साथ ही लग रही है। कहीं ये तो नहीं कि आपको कल को उसी कारण प्रॉब्लम आए, आपका रिजल्ट ना आए। फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आ रहा काफ़ी देर से, क्योंकि कनाडा की अब प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो चुकी है, हमारे एक स्टूडेंट का जस्ट 12 आवर्स में भी वीज़ा आया, और कई स्टूडेंट्स का 2-3 डेज में भी वीज़ा आया, और अब तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का 15 डेज के अंदर अंदर ही PPRs आ रही हैं। फिर भी अगर आपकी कोई इसको लेके क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे, या आप बेल्स ओवरसीज के जलंधर लुधियाना अमृतसर ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं। बेल्स ओवरसीज, द साउंड ऑफ योर फ्यूचर।